गुड मॉर्निंग सेकंड क्लास, आज आपका हिंदी रीडर का है। देखिए पाठ आठ है, छोटे भीम का हाथ, ये आपका पाठ का नाम है। मैं लेसन रीड कर रही हूँ, आप ध्यान से सुनिए। सल्लू भाई के ठाट निराले हैं, पढ़ते तो दूसरी कक्षा में हैं, किंतु उनके हाव भाव से लगता है कि जैसे किसी बड़े महाविद्यालय के विद्यार्थी हों। जो सल्लू है, कौन सी कक्षा का छात्र है? वो दूसरी कक्षा का छात्र है। लगता है कि जैसे वो महाविद्यालय में पढ़ता हो। पहले तो पाठशाला जाने में ही अपने मम्मी पापा को बहुत तंग करते थे, फिर लंच बॉक्स में रखने के लिए रोज़ नए नए पकवानों की फरमाइश होती है। कभी कहेंगे आलू पराठा बना दो, कभी कहेंगे आज मटर पनीर की सब्ज़ी लेकर ही जाएंगे, तो कभी डोसे की फरमाइश कर बैठते हैं। स्कूल बस दरवाजे पर आकर 3-4 बार हॉर्न बजाती है, तब सल्लू भाई बस की ओर धीरे धीरे बढ़ते हैं। वैसे भी वो स्कूल में पढ़ाई कम और शैतानी ज़्यादा करते हैं। उनका नाम शालिग्राम है, परंतु सब उनको सल्लू कहते हैं। क्या नाम है इस बच्चे का नाम है शालिग्राम, पर उसको सब लोग क्या कहते हैं? सल्लू कहते हैं। सल्लू की दो बड़ी बहनें भी हैं, उनका नाम सिम्मी और रिम्मी है। ये दोनों भी शैतानी में मास्टर हैं। पाठशाला में आते ही बस्ता पटका और तीनों ही बैठ जाते हैं टीवी देखने। तीनों का एक ही शौक है, पोगो और दूसरे कार्टून चैनल देखना। कभी छोटा भीम तो कभी टॉम एंड जेरी, कभी गणेश तो कभी हनुमान जैसे सीरियल देखते हुए ये बच्चे अपनी सुध बुध ही भूल जाते हैं। ठीक है, क्या बताया गया इसमें ये बताया गया कि देखो तीन बच्चे हैं, तीनों पढ़ाई में ध्यान ही नहीं करते, हमेशा शरारतें करते हैं और आकर टीवी देखने लग जाते हैं। अब आगे पढ़ते हैं, देखिए। ना उनको खाने ना पीने की चिंता, बस जैसे ही कार्टून से ही पेट भर जाता है। मम्मी पापा दादा दादी सब उनकी इस बात से बहुत परेशान थे। तीनों बच्चे पढ़ाई कम करते और कार्टून ज़्यादा देखते, इस कारण उनके स्कूल में नंबर भी कम आने लगे। और अगर उन्हें कोई कार्टून ना देखने देता तो वो रोने लगते। क्या करते, वो हमेशा पढ़ाई टीवी देखते रहते ज़्यादातर, इसी कारण उनके नंबर भी कम आते थे। और अगर उसको कोई मना करता ज़्यादा टीवी मत देखो तो क्या करते, वो रोने लग जाते थे। आगे देखते हैं। एक दिन तीनों छोटा भीम देख रहे थे, अचानक टीवी की स्क्रीन में से छोटे भीम का हाथ निकला और भीम ने बड़े ज़ोर से सल्लू का हाथ पकड़ लिया। मैंने क्या किया, छोड़ो प्लीज़, सल्लू ने डरते हुए भीम की तरफ देखा। जैसे ही वो टीवी देख रहे थे तो टीवी की स्क्रीन से भीम का हाथ निकला और उसने सल्लू को पकड़ लिया। तो सल्लू ने कहा कि तुम मेरा हाथ क्यों पकड़ लो, मैंने क्या किया है। अब आगे देखते हैं। भीम की तरफ देखा, मैं आपसे बहुत नाराज़ हूँ, मैं नहीं छोड़ूंगा। पर सल्लू ने कहा, पर क्यों, मैं तो आपका कार्टून रोज़ देखता हूँ, फिर क्यों आप मुझे नहीं छोड़ रहे हैं? तुम रोज़ अपने पापा मम्मी को परेशान करते हो, दिन भर टीवी देखते हो, ना ही पढ़ते हो और ना ही खाना ठीक समय पर खाते हो। मेरा हाथ छोड़ो भीम भैया, दर्द हो रहा है। नहीं छोड़ूंगा, पहले तुम तीनों प्रतिज्ञा करो कि दिन भर टीवी नहीं देखोगे। सिम्मी और रिम्मी, तुम दोनों भी कान खोलकर सुन लो कि आइंदा तुम लोग दिन भर टीवी नहीं देखोगे। इन दोनों को गोलू और ढोलू ने पकड़ रखा था। क्या कहा कार्टून भीम ने कि तुम लोग प्रॉमिस करो कि तुम टीवी ज़्यादा नहीं देखोगे और समय पर खाओगे, समय पर सोओगे और समय पर पढ़ाई करोगे। ठीक है, अब आगे देखते हैं। कहा, हाँ हाँ सिम्मी और रिम्मी, भीम भैया ठीक कह रहे हैं, सारे दिन टीवी नहीं देखना चाहिए, गोलू ने समझाया। और ज़्यादा टीवी देखने से आंखें भी ख़राब होती हैं। पर भीम भैया और ढोलू गोलू भैया, हमें आप लोगों को देखने में बहुत मज़ा आता है। क्या कहा उन्होंने कि हाँ, हमें पता है कि आंखें ख़राब हो जाती हैं, पर हमें आपका कार्टून देखने में हमें बहुत मज़ा आता है। पर मित्रों, हर काम की एक सीमा होती है, हद से ज़्यादा टीवी देखोगे तो तुम लोग कक्षा में फेल भी हो सकते हो। खाना नहीं खाओगे और लगातार टीवी देखोगे तो बीमार भी हो जाओगे। ठीक कह रहे हो भीम भैया, आप तीनों बच्चों ने उनकी बात मान ली। प्रॉमिस, भीम ने सबकी ओर
आशा भरी नज़रों से देखा। हाँ हाँ प्रॉमिस, तीनों ने जोर से चिल्लाकर कहा। भीम, गोलू और ढोलू तीनों ने अपने हाथ टीवी के अंदर खींच लिए। बच्चों, इसका क्या मोरल, इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है? इससे हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें समय पर सोना चाहिए, समय पर उठना चाहिए तथा सारा काम हमें समय पर करना चाहिए। हम ज़्यादा अगर टीवी देखेंगे तो हमारी आंखें ख़राब हो जाएंगी, हमारा स्वास्थ्य ख़राब हो जाएगा और हम पढ़ाई में भी हमारे नंबर कम आएंगे। तो इसलिए समय का सदुपयोग हमेशा करना चाहिए, हर काम हमें समय पर करना चाहिए। ओके, अब आगे का लेसन मैं अभी बैक एक्सरसाइज आपको और कराऊँगी। ओके, ये सारा काम आपको अच्छा अच्छा साफ साफ कॉपी में करना है जो मैं काम कराऊंगी, बताऊंगी अभी। बच्चों, आप मैंने स्टोरी अभी आपको सुनाई है तो इस लेसन के आपको कठिन शब्द करने हैं सुंदर सुंदर, नीट एंड क्लीन अपनी कॉपी में। और ये शब्द अर्थ इनको याद भी करना है, वर्ड मीनिंग इनको आपको याद भी करना है और इनको अपनी कॉपी में सुंदर से लिखना भी है, हिंदी लिटरेरी कॉपी में। अब देखिए बैक एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 है, सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाओ। अभी हमने लेसन रीड करा था ना, अब इसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं। तीनों बच्चे थे, क्या थे? निराले, शैतान, होशियार। तो ये क्या थे? शैतान थे। शैतान पे हम टिक करेंगे, ठीक है? मैंने ऑलरेडी कर रखा है, यहाँ पे शैतान पे आप टिक करेंगे, मैंने ऑलरेडी कर रखा है। अब आगे देखते हैं सेकंड वाला, पाठशाला से आते ही तीनों बैठ जाते थे। ऑप्शन देखेंगे, खाना खाने, पढ़ाई करने, टीवी देखने। क्या करने बैठ जाते थे? टीवी देखने बैठ जाते। तो इस पर आपको टिक करना है। अब देन सेकंड थर्ड देखते हैं, सल्लू का हाथ किसने पकड़ा था? सिम्मी और रिम्मी ने, गोलू और ढोलू ने या भीम भैया ने? तो भीम भैया ने पकड़ा, तो यहाँ पर हम टिक करेंगे। ओके, अब एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 है, खालिस्तान पर हो। ठीक है, देखिए फर्स्ट में देखते हैं, तीनों का एक ही डिश है, क्या है? शौक। तो यहाँ पर हमने शौक लिखा है। अब सेकंड देखते हैं, ये बच्चे अपनी सुध-बुध ही देश जाते थे, भूल जाते, तो यहाँ पे हमें भूल लिखना है। अब ये हम थर्ड देखेंगे, स्कूल बस दरवाजे पर आकर देश बजाती थी, तो क्या? हॉर्न बजाती, तो हमें यहाँ पे हॉर्न लिखना है। अब लास्ट देखेंगे तीनों, अभी लास्ट वाला देखेंगे, तीनों बच्चे पढ़ाई कम करते और देश ज़्यादा देखते, क्या? टीवी ज़्यादा देखते। तो ये मैं यहाँ पे फिल कर दिया, आपको भी इसी तरह से अपने कॉपी में फिल करना है। ये सही मेल मिलाओ, ये देखिए थर्ड, थर्ड का क्या है? निराले, निराले से आपको मैच करना है। लंच बॉक्स का पकवान, मटर पनीर, सब्जी, स्कूल बस, हॉर्न, कार्टून चैनल, टीवी। इसको भी आपको अच्छे से साफ साफ करना है अपनी हिंदी रीडर की कॉपी में। अब ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6 है, वाक्य पर सही या गलत का चिन्ह लगाओ। पहले में देखते हैं, सल्लू भाई के ठाट निराले थे, राइट या रॉन्ग? तो ये राइट है, आपको यहाँ पे राइट का निशान लगाना है। देन सेकंड देखते हैं, अचानक टीवी के स्क्रीन में से छोटे भीम का हाथ निकला, इसमें राइट का निशान लगाना है। फिर थर्ड देखते हैं, ज़्यादा टीवी देखने से आँखें साफ होती हैं, इसमें रोंग लगाना है, गलत बात है ये। अब लास्ट वाला देखेंगे, कार्टून देखना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है? नहीं, ये हम यहाँ पे गलत का निशान लगाएंगे। ओके, ये वाला काम आपको अपनी कॉपी में करना है साफ साफ। देखें क्वेश्चन नंबर 8 है, ये विलोम शब्द, यहाँ पे ठाट, ठाट का यहाँ पे क्या है इसका अपोजिट? परेशान। ये देखिए छोटा, छोटे का विलोम है बड़ा। अभी देखिए आज, आज का विलोम है कल। परेशान, परेशान का खुश, ये वाला भी आपको अपनी हिंदी रीडर बोल दिया, ये तो करने पाएंगे। ये देखिए बैक साइज का क्वेश्चन नंबर 9 है, इसमें क्या है? वाक्य बनाओ। यहाँ पे कुछ शब्द दिए गए हैं, उन्हीं की सहायता से हमें यहाँ पे वाक्य बनाने हैं। तो मैंने यहाँ पे बना दिए हैं और आप ये वाले भी लिख सकते हैं और दूसरे भी अपनी तरफ से आप बना सकते हैं। देखिए विद्यार्थी का, सल्लू दूसरी कक्षा का विद्यार्थी है। अब देन सेकंड देखेंगे, लंच बॉक्स, मैं रोज़ स्कूल में लंच बॉक्स लेकर जाता हूँ। अब थर्ड देखेंगे, शैतानी, हमें ज़्यादा शैतानी नहीं करनी चाहिए।
अब लाद देखें, दर्द, मुझे दर्द हो रहा है, जो मैंने वाक्य बनाए ये वाले भी आप बना सकते हैं और अपनी मर्जी से दूसरे बना सकते हैं, सोना होगा साफ साफ आपको अपनी कॉपी में करना ये वाला कार्य। अब ये है 10 वचन बदलो, ठीक है, एक्सरसाइज का 10 क्वेश्चन है ये, यहाँ पे कक्षा का कक्षाएं और बस्ता बस्ते, इसके जो वचन है हमें वो बदलने हैं, चेंज करके लिखना है। अभी थर्ड देखेंगे, विद्यार्थी, विद्यार्थी का विद्यार्थी है, आँख का आँखें, ये आपको याद करना है और लिखना है। अभी 11 में देखेंगे, लास्ट है समान अर्थ वाले शब्द लिखो, जैसे सम्मान का आदर, निर्धन का गरीब, कठिन का मुश्किल, भैया का भाई, ये सारा काम आपको अपने हिंदी रीडर की कॉपी में करना है, सुंदर क्लीन क्लीन। बाय।